हेलो फ्रेंड्स, द वायरल मीडिया में सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, एसबीआई ने अपना जो एटीएम विड्रॉल का लिमिट है वो घटा दिया है। तो पहले जो एसबीआई का लिमिट था वो 40,000 रुपीज हुआ करता था अपने मास्ट्रो और क्लासिक कार्ड के ऊपर, लेकिन अभी वो 20,000 किया गया है। 31 अक्टूबर 2018 से एक जो लिमिट है वो 20,000 रुपीज का पर डे का लिमिट एसबीआई ने किया है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने वो एक ऑप्शन भी दिया है कि जिनको अगर ज्यादा पैसे निकालने की जरूरत है, वो हाई एंड जो भी कार्ड से जहाँ पे विड्रॉल लिमिट ज्यादा है क्लासिक और मास्टर छोड़ के, वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको वो कार्ड मिल जाएगा। तो जिनको भी ज्यादा लिमिट की जरूरत है वो उस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनको नहीं है वो जो 20,000 रुपीज के विड्रॉल के साथ आगे चल सकते हैं। उसका इसके ये सब करने के पीछे रीजन क्या है दोस्तों, क्योंकि एसबीआई के पास बहुत सारे कंप्लेंट गए क्योंकि फ्रॉड होते जा रहे हैं। कोई किसी का अगर एटीएम गुम हो जाता है और किसी को मिल जाता है, उसका पासवर्ड मिल जाता है, तो उसके थ्रू जो फ्रॉड होता है तो 40,000 रुपीज वो पर डे में निकल जाता है, क्योंकि वो उस समय तक आप कंप्लेंट नहीं कर पाते। लेकिन जैसे आपको पैसे जाने के बाद आपको एसएमएस वगैरह आता है तो आप उसके बाद कंप्लेंट करते हैं, तो उससे उसके चलते कम से कम अमाउंट का फ्रॉड हो जाए और ज्यादा नुकसान अपने ग्राहकों को ना हो, इसलिए एसबीआई ने अपना स्टेप लिया है, जिसके चलते अभी एसबीआई का डेली का लिमिट जो है 20,000 रुपीज किया गया है। अभी दूसरी बात है कि ये तो हो गया एसबीआई का, लेकिन बाकी जो बैंक है जैसे कि बड़े बड़े बैंक आईसीआईसीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, इन सारे बैंकों का भी लिमिट क्या है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले। तो दूसरी बात ये है कि एचडीएफसी जो बैंक है, एचडीएफसी का जो प्लैटिनम चिप कार्ड है उसका लिमिट 1,00,000 रुपीज पर डे का है। तो एचडीएफसी का प्लैटिनम कार्ड अगर आपके पास है, 1,00,000 रुपए आप डेली के निकाल सकते हैं। उसके अलावा जो तीसरा बैंक है आईसीआईसीआई का बैंक है, आईसीआईसीआई के बैंक का डेली का लिमिट जो है कस्टमर को 50,000 रुपीज का है। और उसके अलावा जो आईसीआईसीआई का एक सिग्नेचर डेबिट कार्ड आता है जिसका लिमिट 1.5 लाख रुपीज है। तो डेली 1.5 लाख रुपए आप सिग्नेचर डेबिट कार्ड से आईसीआईसीआई के निकाल सकते हो। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक के जो डेबिट कार्ड से, जैसे कि उसमें प्लैटिनम कार्ड और क्लासिक कार्ड आता है, प्लैटिनम कार्ड का डेली विड्रॉल लिमिट जो है वो 50,000 रुपीज है और क्लासिक कार्ड का डेली विड्रॉल लिमिट और 25,000 रुपीज है। तो आपके पास जिस टाइप का कार्ड है, क्लासिक है 25,000 रुपीज निकाल सकते हो, प्लैटिनम है तो 50,000 रुपीज आप निकाल सकते हो। इसके अलावा एक्सिस बैंक के बहुत सारे टाइप के कार्ड से, 10 से 12 डिफरेंट कार्ड से, टिटेनियम प्राइम का कार्ड है उसका 50,000 रुपीज विड्रॉल है, रुपे कार्ड रुपे प्लैटिनम पे 40,000 रुपीज का आपको विड्रॉल कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जो रुपे क्लासिक कार्ड है उसका 25,000 रुपीज लिमिट है, बैंक ऑफ बड़ौदा प्लैटिनम कार्ड का 50,000 रुपीज लिमिट है, रुपे प्लैटिनम कार्ड का 50,000 रुपीज है, वीजा इलेक्ट्रॉन कार्ड का 25,000 रुपीज पर डे है, मास्टर क्लासिक कार्ड का 25,000 रुपीज पर डे है, वीसा प्लैटिनम चिप कार्ड का 1,00,000 रुपीज पर डे है। तो इस तरीके से जो है सारे बैंकों के अपने अपने डेबिट कार्ड के जो एटीएम विड्रॉल लिमिट उन्होंने दिए गए हैं अपने सेट के। इसके अलावा बहुत सारे बैंक हैं क्योंकि इंडिया में कुल मिला के 21 नेशनलाइज बैंक है और बहुत सारे प्राइवेट कोऑपरेटिव, तो बहुत सारे बैंक हैं, तो उसका हर एक बैंक का अलग अलग विड्रॉल लिमिट है। लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ 4 या 5 जो बड़े बैंक है जिसका कस्टमर बेस बहुत ज्यादा है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी ली है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के थ्रू थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब।